खंडवा में पहली बार आयोजित होने जा रहे मानसिंह का रियलिटी मैंगो फेस्टिवल में देवगढ़ और रत्नागिरी के आम उत्पादक लेकर आ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोंकण का राजा हापुस आम। मैंगो फेस्टिवल है दिनांक 26 मई से 28 मई तक। स्थान है मुरलीधर बिजनेस पार्क, मानसिंह का आयल मिल परिसर, खंडवा। समय है सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। योगी हैं श्री दादाजी टेंट हाउस, देसी कूल आइसक्रीम, श्री लालाजी किचन, होलसेल वर्ल्ड। आयोजक है आशीष जायसवाल, विश मास्टर इवेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। हालांकि अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं तय की गई है और इस पर मौजूदा कानून ही लागू होंगे। आरबीआई के नए नियम क्या है? 23 मई 2023 से अपने बैंक खाते या किसी भी बैंक में नोट बदले जा सकते हैं। किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समय सीमा में और जनता को पर्याप्त समय देते हुए पूरा करने के लिए सभी बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक जमा करने की सुविधा रहेगी। इस बारे में सभी बैंकों को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। आरबीआई ने बैंकों से नए 2000 के नोट जारी करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। सर, मैं ये 2000 के नोट रखे हुए थे मेरे पास। अब मार्केट में क्या है, मीडिया के माध्यम से पता चला था कि अब ये नोट जो है शासन ने चालन से बाहर कर दिया है। तो मैं बैंक में जमा करने आया था तो वहाँ पर बाकायदा एंट्री करके अपने अकाउंट में वो लोग डाल रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने कहा कि जमा कर दे। मार्केट में तो ये चलन से अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो बाकी सब अच्छे से मतलब जमा कर रहे हैं, पूरे अकाउंट में भी कर रहे हैं और एंट्री भी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं जो लोग, वो शायद इतना प्रासंगिक है या नहीं। ये नोट 6 साल पहले प्रचलन में आया था, ऐसा लगता है कि इसकी नोट की लाइफ हो गई थी। हमने इस नोट की गुणवत्ता देखी है, हाथ में पर्चे जैसा मामूली नोट लगता है ये। और सबसे बड़ी बात यह कि ये प्रचलन में था ही नहीं, बाजार में कभी दिखा नहीं हमको ये नोट। तो सरकार को लगा कि जब ये प्रचलन में नहीं है तो इसको विड्रॉ कर लिया जाए। और इसके पीछे जो फिजिकल इसकी जो एट्रीब्यूट है इसका कि ये कमज़ोर बमजोर है नोट जो, इसलिए सरकार वापस कर रही है। अगली बात यह आती है कि रात को घोषणा की, बहुत चतुराई के साथ की गई घोषणा है ये। इसमें रिजर्व बैंक ने बंद किया ऐसा कहा जा रहा है, सरकार के किसी आदमी ने इसका श्रेय नहीं लिया क्योंकि इसके प्रभाव या दुष्प्रभाव अभी मालूम नहीं है। तो ये आज रात को घोषणा होने के बाद से ये हुआ कि लोग घबरा गए। जिसके पास केवल एक नोट है वो भी सोच रहा था मेरा लेन देन कैसे होगा। अगर रात को घोषणा की थी तो उसके साथ बहुत अच्छे से आम आदमी को समझाना था कि आप इसको इससे साथ लेन देन करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फाइनली जब बैंक में जमा करना है जब जमा कर दो। आज देश भर में लेन देन रुक सा गया है, 2-4 दिन तक लोग परेशान होते रहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आपस में विवाद होगा और 4-5 दिन तक वित्तीय गतिविधियां थम सी जाएंगी। शास्त्रियों के निर्देश और जानकारी के हिसाब से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत वर्षों में जो नोटबंदी की थी उसके सार्थक परिणाम आए हैं। जहाँ तक हम समझते हैं कि आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर काफ़ी तह तक मतलब रोक लगी है और एक अच्छा निर्णय मोदी जी का था। इससे कोई आर्थिक नुकसान किसी को हुआ ना गरीब को हुआ, ना मध्यम वर्ग को हुआ, ना कहीं करोड़पति को हुआ। और एक अच्छी योजना के तहत उसको क्रियान्वयन किया था जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोक लगी। आज 2000 के नोट को बंद करने के लिए कोई ताबड़तोड़ रात को 12 बजे कोई घोषणा करके प्रधानमंत्री जी ने लोगों को घबराया नहीं है। आप रिजर्व बैंक के आज पूरा कागज और आज पेपर पूरे पढ़ लो, बराबर सितंबर तक का आराम से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के लिए बैंक को जवाबदारी तय की है। आप सीधे जाकर भी 2000 के नोट आपस में बदल भी सकते हैं, आपके पास खाता है तो आप खाते में जमा भी कर सकते हैं, 4 महीने का काफ़ी समय होता है और इस प्रकार की कोई घबराने की जनता को जरूरत नहीं है। 2000 के 4 महीने तक आराम से बैंक लेन देन करेगी और बाजार में भी इसका प्रचलन चलता रहेगा।